देखिए दोस्तों, शुरुआती में सब्सक्राइबर तो नहीं मिल पाते, लेकिन सब्सक्राइबर मिलने के बाद भी व्यू कम आ रहे हैं, तो इसका कोई भी रीजन हो सकता है। तो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आपके सब्सक्राइबर कम है, वीडियो में व्यू कम आ रहे हैं, तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं और इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ में दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो और ऐसे नॉलेज वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके चैनल पे सब्सक्राइबर 1.5 मिलियन है, लेकिन आपके व्यू 50,000 ही आ रहे हैं, तो आपको रीजन हो सकता है कुछ अपने वीडियो की क्वालिटी पे, और वहां पर कुछ रीजन हो सकता है आपकी वीडियो को टाइम से ना पहुंच पाना। तो यहाँ पर इस रीजन को दूर करने या समझाने के लिए इस वीडियो में हम आ गए हैं, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका मेन पॉइंट रखते हैं, आपको अगर जब से चैनल बनाना है, आपको डेली वीडियो अपलोड करना है, एक दो दिन गैप हो जाए भले हो जाए, लेकिन आपको लगातार 1 महीने नहीं गैप करना है, आपको डेली वीडियो अपलोड करना होगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपके सब्सक्राइबर ऑफलाइन नहीं जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपके जब सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं, तो आपकी वीडियो को देखने के लिए ही वो सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप क्वालिटीदार वीडियो बनाएंगे, तो आपकी वीडियो को डेली देखने के लिए वो बंदा आपकी सब्सक्राइब करेगा आपके चैनल को। तो इसलिए आप डेली वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाएंगे लगातार। लेकिन वही रीजन जहां फंसती है दोस्तों, कि आप वीडियो डेली अपलोड कर रहे हैं, लेकिन 1 साल बाद आप डिमोटिवेट हो जाए कि यार हमको यार अर्निंग ही नहीं होगी, इस चैनल से क्या फायदा, हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर इस तरह के आप अपने मन में ख्याल लाएंगे, तो आपका चैनल वहीं से डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको डेली वीडियो लगातार अपलोड करना है, 1-2 साल नहीं, आपको लगातार जब तक यूट्यूब रहे या आपका चैनल जब तक रहे, तब तक आपको डेली वीडियो अपलोड करना है। इससे बेनिफिट तो होगा ही, और साथ में आपका मोनेटाइजेशन ऑन होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर आपको बताएं दोस्तों, आपके सब्सक्राइबर ज्यादा है तो आपके व्यू कम आ रहे हैं, क्यों, तो यही रीजन है आपको। तो आपको डेली वीडियो अपलोड करना है, और टाइम टू टाइम, जैसा कि आप अपने क्रिएटर को 5 बजे शाम को वीडियो देते हैं, तो आपको लगातार 5 बजे, 4 से 5 बजे के बीच में आपको वीडियो अपलोड कर देना है और पब्लिश कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके जितने भी वहां पर सब्सक्राइबर होंगे, तो आपकी वीडियो को 4 से 5 बजे के बीच में ही देखेंगे, क्योंकि दोस्तों उनको आदत ही पड़ जाती है, और आपके चैनल के वीडियो आने का समय मालूम हो जाता है, जिससे वो वीडियो देखने के लिए उस समय को निकाल लेते हैं, और उसी समय आपके चैनल पर जरूर जाएंगे, चाहे आप उनका आपके चैनल का नोटिफिकेशन उनके पास ना जाए, लेकिन उस समय वो आपके चैनल को जरूर विजिट करेंगे और आपके वीडियो को देखेंगे, अगर आपका नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहा है तब भी देखेंगे। तो यही रीजन होता है दोस्तों, जो बड़े क्रिएटर हो जाते हैं, उनके वीडियो बिना नोटिफिकेशन न जाए तब भी 1.5 मिलियन अपने आप चली जाती है, अगर आपके वहां पर मिलियन सब्सक्राइबर रहते हैं तब भी बड़े यूट्यूबर के। तो यही रीजन होता है दोस्तों, नोटिफिकेशन न जाए तब भी उनका वीडियो देखा जाता है। तो आपको भी मैं बताता हूं दोस्तों, अपने वीडियो को सुधार करने के, जैसा कि मैं अपने वीडियो में सुधार ला रहा हूं, और मैं डेली वीडियो अपलोड करने की सोचता हूं, लेकिन कुछ इशू जो हो जाने के कारण वहां पर 1-2 दिन गैप हो जाता है, लेकिन मैं डेली गैप नहीं करता हूं, और मैं लगातार वीडियो बनाने की सोचता रहता हूं, और आपको मैं टाइम टू टाइम वीडियो देने की कोशिश करता हूं, कि आपके जैसे कि मैं 5 बजे वीडियो आपके पास पहुंचाता हूं, तो 5 बजे मैं सोचता हूं हमेशा पहुंचे, लेकिन वहां पर जैसे कि कुछ इशू हो जाता है नेटवर्किंग या नेट की प्रॉब्लम, तो आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ 5 बजे शेड्यूल लगा देता हूँ 5 बजे तक। तो यही समझाना दोस्तों, अपने वीडियो में अगर व्यू लाना है तो आपको डेली वीडियो अपलोड करना होगा और टाइम टू टाइम रखना होगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं और आपको हमेशा अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। फिर मिलेंगे 1 नए वीडियो के साथ 1 नए दिन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।